इंडिया इज नाउ रेडी टू फ्लाई इट्स फर्स्ट इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस विद स्वदेशी इंजन कावेरी. द डेवलपमेंट वर्क ऑन कावेरी हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड इंडिया हैज गॉट दैट कैपेबिलिटी. द रेवलेशन हैज बीन मेड बाय नन अदर देन इंडियाज प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हेडिंग द एरोनॉटिकल सिस्टम्स इन डीआरडीओ. Dr. Tessie Thomas, in a brief interview on the sidelines of Aero India 2023, told me that the Kaveri engine is also ready to fly in LCA. We can take up one of the light combat aircraft. We can fly today. So that is the capability that has been established. However, she justifies the delays in engine development given the country's industrial ecosystem. She emphasized that today our industries are coming up and take up that kind of engine development challenge. Kaveri engine is also ready to fly in LCA. We can take up one of the LCA aircraft. We can fly today. So that is the capability which has been established. Yes, engine development had took some amount of time. So within the country's ecosystem. But today it's different. Today our industries are coming up to take up on the that type of engine development. Dr. Tessie Thomas, better known as Agniputri, for having been contributed immensely to India's most successful intercontinental ballistic missile, Agni, as project director in Agni 4 and project director mission for the long-range Agni 5 system, is currently heading the department responsible for Kaveri engine development. The Kaveri engine has been developed by Guest Turbine Research Establishment, a lab under Defence Research and Development Organisation, DRDO. During the DRDO seminar at Aero India 2023, Defence Minister Rajnath Singh praised the DRDO for success of its missile program, but criticized it for delays in development of indigenous aero engine. Indian aerospace sector ko nayi unchaiyon par pahunchane ke liye indigenous aero engine ka design aur development bhi main samajhta hu ki vartman samay ki sabse mahatvapurna ya avashyakta hai. आज जब हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं, हमें इस बात पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है. हम कब तक दूसरों के इंजन से अपनी उड़ान भरते रहेंगे? हम कब तक कहते रहेंगे कि हमारा प्रयास जारी है? क्योंकि मैं भी यही कहता हूँ, हमारा प्रयास जारी है. बार बार हम भी कहते हैं जब इंजन का सवाल होता है, आज भी शायद किसी ने मुझसे पूछा था कहीं पर, तो मैंने कहा कि भाई इंजन का प्रयास हमारा जारी है, कभी तो हमें रिजल्ट देना ही पड़ेगा ना, ये बात तो पक्की है. यह एरो इंजन का डेवलपमेंट न हो, पानीपत का युद्ध हो गया हो कि जो दादाजी ने रटा वही पिताजी और वही बच्चा भी रट रहा है. प्रयास जारी है. हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक रुपये की जनरल नॉलेज की किताब आती थी, मालूम नहीं अब आती है कि नहीं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आती थी. और उसका पब्लिशर ऐसा चालाक आदमी हुआ करता था, ऐसा चालाक आदमी हुआ करता था, आधा वर्ष बीतते बीतते वह अगले साल का एडिशन मार्केट में उतार देता जिससे उसकी बिक्री अधिक हो. कारण यही था. जैसे अभी फरवरी 2023 चल रहा है और कुछ ही दिन में जनरल लाले 2024 की किताब हमारे सामने आ जाए और उस किताब में होता क्या था कि पानीपत की लड़ाई कब हुई, सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है, यही सब सारी चीजें होती थी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, आ गया एक्सेट्रा, ये सब सारी चीजें होती थी. अब इन सब फैक्ट्स में कोई चेंज तो होना है नहीं, जो थे तो हुआ, आज भी हैं कल भी रहेंगे. तो क्या फर्क पड़ता है कि वह जनरल लाले 2024 की हो या 2050 की हो. इससे साल दर साल वह नई नई किताबें निकालता जाता था और कमाई करता जाता था. कहना मैं यह चाहता हूं साथियों कि हम सभी यह प्रयास करें कि एरो इंजन के लिए हमारा प्रयास भी उन्हीं फैक्ट्स की तरह न बन जाए जो कभी बदले ही ना. हमारा टारगेट यह होना चाहिए कि हम एरो इंजन का विकास कर न केवल जनरल नॉलेज की नई किताब लिखें बल्कि अपने पुरुषार्थ से एक देश का एक नया इतिहास लिखें. और मुझे पूरा विश्वास है कि डीआरडीओ अपनी सामर्थ्य
अपने संकल्प और अपने समर्पण के बल पर इसे यथाशीघ्र करके दिखाएगा, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। The great success of LCA Tejas program and India's first anti-satellite test conducted by DRDO were among the top factors that brought Modi government 2.0. But the jive and metaphrase used by Raksha Mantri Rajnath Singh to criticize DRDO and scientists alone may not well appreciated by many and could have been avoided. However, he said he expects success in aero engine also. He complimented technology transfer for indigenous manufacturing of Kaveri engine by one of India's leading private player. आपकी पृथ्वी से लेकर आकाश, आकाश तक अपने अग्नि के तेज को प्रदर्शित किया है, आप ही लोगों ने किया है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक अपने अग्नि के तेज को आपने प्रदर्शित किया है। ऐसा कोई कारण नहीं कि एरो इंजन के निर्माण की दिशा में आप सफलता प्राप्त न कर सकें, ऐसा मेरा मानना है। मुझे मालूम है कि यह मुश्किल है, लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते यह असंभव नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि रक्षा मंत्रालय और DRDO देश में इसके स्वदेशी निर्माण के लिए निर्माण के डिटेल्स पर इस समय काम कर रहा है। जहां तक मुझे जानकारी है, जल्दी ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं यहां उपस्थित आप सभी स्टेक होल्डर से गंभीरता से इन मुद्दों पर चर्चा करने और भारत को टेक्नोलॉजी हब में बदलने के लिए आगे का रास्ता तैयार करने का भी मैं विनम्र अनुरोध करता हूं। और जिन लोगों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि उस टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ उठाएंगे और उसका लाभ हमारे देशवासियों को मिलेगा। जिन्होंने टेक्नोलॉजी ईजाद की है, मैं उनको बधाई देता ही, लेकिन जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी जिनको ट्रांसफर हुई है, उनको मैं सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। Indian Air Force currently flies two squadrons, number 45 Squadron Flying Daggers and number 18 Squadron codenamed Flying Bullets of LCA Mark 1 based at Sulur Air Force Base near Coimbatore. Out of total 123 LCA order from IAF, 83 aircraft order was placed in February 2021. These will be 73 Mark 1A single-seater and 10 Mark 1 FOC trainer, and delivery is scheduled between 2024 to 2028 time frame. In 2021, Hindustan Aeronautical Limited, that produces LCA, signed a $716 million contract for 99 General Electric F-404 engine GE Aviation that will be used to power 73 LCA Tejas Mark 1A and 10 Tejas Mark 1A trainer aircraft. During recent visit of NSA Ajit Doval, along with a high level of delegation to USA, General Electric consented for 100% transfer of technology to produce India-specific GE-414-IN-S6 engine that will power the LCA Mark II, which will be rolled out by Aeronautical Development Agency ADA early next year and takes to the sky by the end of 2024. And the under-development twin-engine advanced medium combat aircraft. However, who will be the manufacturer of engine in India for likely 6th squadron is still not clear. India had spent 2,032 crore rupees on the development of Kaveri engine alone, out of total 11,096 crores, according to a written statement made by the then MOS Defence Shripad Nayak in Lok Sabha in 2020. This amount would have been much more now. However, amid technology denial regime of foreign countries vested strategic and commercial interests, it was not easy for India's DRDO to have developed such critical technology. The ability to manufacture combat jet engine is the true test of a country's military industrial base. While US, UK, France and Russia are the main countries with aero engine technologies, countries like Germany, Japan and Canada have joint ventures. During Aero India 2023, positive vibes with heart and trust for Indian defense research and military industry could have been felt easily. Now foreign countries are ready to part with critical technology and coming forward with offers. The foreign countries taking lot of interest in Indian defense products. The change is visible, loud and clear. So much of anticipation, expectations from Indian defense manufacturers, defense R&D institutions. So how do you see this change? Yeah, it's all because of our great leader, Honorable Prime Minister.
his vision of having Atmanirbhar Bharat. And the whole country is now getting geared up for making things happen. And we have startups, we have all the industry, academia, influence of all academia, industry and the R&D establishments together. If the challenge is taken up together as an amalgamation of our country needs this type of products, then it will happen definitely. So that is the way it can happen. However, amid great self-reliance push of Modi government under its slogan Atmanirbhar Bharat, will there be any taker like Indian Air Force or maybe foreign player for indigenous Swadeshi Kaveri engine, which Dr. Tessie Thomas says the capability is established? If indigenous capacity is established and defense manufacturing industry can deliver, then why India moving forward for foreign engines for Swadeshi LCA Tejas with more potential Indian and foreign orders for Tejas in pipeline? That's a moot question that needs to be answered. Thanks for watching National Defense. Please subscribe and press bell icon to get notified of our new videos.